तो जे डी एस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स के बारे में, जो कि आ रही है आपके बीए कोर्स वाले बच्चे जो इग्नू से बीए या फिर बीकॉम या फिर बीएसए कर रहे हैं या बीएसडब्ल्यू कर रहे हैं, उनके लिए जिनका सब्जेक्ट कोड है फ्रेंड आपका AHE 001। तो उनमें जो मेनली प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है सिनप्सिस को लेकर, सिनप्सिस अप्रूवल को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, जो AHE जो सब्जेक्ट कोड है, उस सब्जेक्ट कोड का जो टोटल क्रेडिट होता है वो 8 क्रेडिट का आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आपका एग्ज़ाम भी रहेगा फ्रेंड, और आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट भी जमा कराना पड़ेगा, प्लस आपको असाइनमेंट भी जमा कराने पड़ेंगे। तो जो 6 क्रेडिट है फ्रेंड वो आपका एग्ज़ाम का है और असाइनमेंट का है, दोनों मिला के 6 क्रेडिट बनते हैं। और 2 जो क्रेडिट है फ्रेंड वो आपका प्रोजेक्ट को लेकर होता है। तो 2 यानी टोटल मिला के आपके एग्ज़ाम हो गया, प्लस आपका असाइनमेंट हो गया, प्लस आपका प्रोजेक्ट हो गया, इन तीनों को मिला के टोटल आपके 8 क्रेडिट पूरे होते हैं। तो जिन्होंने भी AHE सब्जेक्ट कोड लिया है 001, उनको ये तीनों चीज़ें देनी पड़ेगी, तभी उनका जो डिग्री होगी वो कंप्लीट मानी जाएगी, अदरवाइज उनकी डिग्री दोस्तों स्टक हो रही है। तो अब जो मेनली प्रॉब्लम आ रही है कि मान लो जिन बच्चों को सिनोप्सिस बनाना है या नहीं बनाना है, अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें सिनोप्सिस की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है, इसमें मेनली बच्चे फंस रहे हैं। तो इस डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। सो पहला डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड कि आपका 8 क्रेडिट का होता है, यानी आपको प्रोजेक्ट जमा करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बात आती है कि सिनॉप्सिस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो मैं इसको एक कमेंट के माध्यम से आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे जो जो एक बच्चे ने जाके रीजनल सेंटर पर पता किया है और उनके द्वारा उन्हें क्या अपडेट मिला है कि आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप अपना असाइनमेंट डायरेक्टली जमा करा सकते हैं बिना अप्रूवल के। तो मैं वो एक बार पढ़ के बताता हूँ। तो ये मैंने कमेंट बॉक्स खोल लिया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एंड आई वॉन्ट टू नो द फिलिंग ABC फॉर्म्स इज इनफ फॉर द सिनॉप्सिस और शुड आई राइट द सैम्पल ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये पहला बच्चे का कमेंट था। दूसरे बच्चे का कमेंट है, इन्होंने लिखा है, रंजीत झा थे, इन्होंने कहा, हेलो ब्रदर, व्हेन आई वॉन्ट टू द रीजनल सेंटर टू आस्क दैट इट नेसेसरी टू सबमिट द सिनॉप्सिस फॉर द AHE 01, दे टोल्ड मी दैट देर इज़ नॉट एनी सिनॉप्सिस फॉर द AHE 001, यू हैव टू सबमिट योर प्रोजेक्ट विदाउट एनी अप्रूवल एज लाइक असाइनमेंट। तो ये बात दोस्तों क्लियर हो गई कि जिनका BA फाइनल ईयर के बच्चे हैं और अगर उनको AHE सब्जेक्ट में आपको प्रोजेक्ट जमा करवाना है तो आपको सिनॉप्सिस की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। तो ये इस बच्चे द्वारा कमेंट किया गया था और इसकी हेल्प से आप सभी बच्चों का जो डाउट्स है होपफुली आप क्लियर हो गया होगा। तो आप अपना बिना सिनॉप्सिस अप्रूवल के भी प्रोजेक्ट जमा करा सकते हैं फ्रेंड। तो एक वीक अपडेट थी जो मुझे आप लोग तो पहुँचानी थी, क्योंकि बहुत बच्चों के डेली कमेंट आते हैं कि सर क्या हमें सिनॉप्सिस के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है इस कोड के लिए या नहीं है। तो अब ये है होपफुली आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप खुद भी जाके अपने रीजनल सेंटर पर पता कर सकते हैं फ्रेंड। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा फ्रेंड।